हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम के जनवासी। जस्ट मैं अब भी पहुंची हूँ कोलकाता। देखो पूरी तरह से थक गई हूँ। टोटल हमने 27 से 28 घंटे का ट्रैवल किया है। ये जो एक और बात बोलूँगी, मैं कोलकाता में पहुंच गई हूँ। बस मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मैं कोलकाता पहुंच गई, और कुछ लोगों को ये बताना चाहूँगी क्यों दिमाग पे लगते हो। यात्रा करना क्या खाने का बात है? मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से बंदिश करने निकली हूँ कि कोरोना जैसी महामारी फिर से हमारे देश में नहीं आए। ये जो लोगों का काम थोड़ा लेट हो रहा है ना, तो ये काम लेट इसलिए हो रहा है, किसी का काम लेट नहीं हुआ है, सब सही, बल्कि लोगों को बचाना ज़रूरी है। बच्चे मर रहे हैं, और कुछ लोग हैं ना मेरे गोराई में, या बोले दो तीन लोग मेरे दिमाग में लगे हैं। अब वो जो दो तीन लोग दिमाग में लगे हैं, मैं उन लोगों को कुछ बोलूँगी नहीं, ना मैं उनका नाम लूँगी, क्योंकि क्या होता है, सबको लगता है कि मैं ताने मारती हूँ करती हूँ। लेकिन ये बात पक्की है कि बस कल काली माता के दर्शन हों दो, उसके बाद मज़ा देखूँ। कल तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। परसों जाऊँगी मैं, कल मैं नीमतला शमशान जाऊँगी क्योंकि कल मंगलवार है, फिर मज़ा देखूँ। अरे हम यहाँ पे यात्रा पे आए यात्रा खाने की बात है। अब मेरा शक्ल देखो कैसे हो गया है, थक गई हूँ बुरी तरीके से, बच्चा है पेट में, इतना शर्म भी नहीं आती कितने लोगों को ऐसे बातें करते हुए कि आप घूम रहे हो। मैं घूम रही हूँ, घूमने नहीं बोलते इसको। रास्ते में 27 घंटे के रास्ते में जल्दी खाना नहीं मिलता है। बिहार, झारखंड सब होते हुए हम आते हैं, खाना नसीब नहीं होता, और आप लोगों को बोलते समय शर्म नहीं आती। मेरे दिमाग पे मत लगो यार। दूसरी बात, मैं निस्वार्थ मन से यहाँ आई हूँ। मैंने दिल पे पत्थर रख के कुछ लोगों से बात करना बंद किया है, इसलिए कि मेरी पूजे में मेरे काम में अड़चन नहीं है। लेकिन उसका भी लोग फ़ायदा उठा रहे, उस पर भी लोग मजाक बना रहे हैं। उस मजाक का जवाब मैं 24 घंटे में दूंगी, ना 72 घंटा ना कुछ, क्योंकि काली माता के पास आई। मेरा केशव अपनी नानी से मिलने आया है। जब वो अपनी नानी से मिलेगा, पूजा करेगा, तो कुछ तो फल देंगी ना माँ। तो जाने दो, ये सारी वीडियो बातें मैं कल करूँगी यूट्यूब पे। अभी फिलहाल ये बता रही थी मैं पहुँच गई हूँ, और ये दो तीन लोगों ने मेरे दिमाग पर असर किया है ना, खास करके दो लेडीज़ और दो जेंट्स है, उन लोगों का तो मैं वो हाल करने वाली हूँ कि अगर वो बच गए ना तो मुझे बता देना। क्योंकि मैं यात्रा पे निकली और ज़बरदस्ती मेरे माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं पूजे पे निकली हूँ, और आज तक विद्या देवी कभी यात्रा छोड़ के वापस नहीं आई। मैं अपना काम पूरा करके आऊँगी। मैं लोगों का निस्वार्थ मन से सेवा करने आई हूँ, ना किसी से एक रुपया मांगा है ना कुछ किया है। तो मेरी माता रानी देख रही है, और जो लोगों ने हरकत की है उनका जो हाल होगा 24 घंटे अगर नहीं खून की उल्टी कर करके मरे और ना हॉस्पिटल पहुँचे, तो विद्या देवी को चप्पल से मारना। ये मेरी काली माँ की कसम है मुझे। बस जय माता दी।